हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेव ऑप्टिक्स का प्रिज्म टॉपिक कंटिन्यूटी में आज की क्लास में मैं प्रिज्म टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो के बाद इस वीडियो में प्रिज्म टॉपिक की कंटिन्यूटी में चल रहा है। आज के क्लास में टॉपिक है प्रिज्म फॉर्मूला। पिछली बार हमने क्या पढ़ाया था? एंगल ऑफ डेविएशन का। आज पढ़ाऊंगा प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला आपको याद होगा। अब मान लो हमने एक प्रिज्म लिया था। मैं अगेन डायग्राम बना दूं, आपको याद है ना बेटा हमने क्या लिया था? एक प्रिज्म लिया था, है ना? ये हमने प्रिज्म बनाया था। ठीक है, ये हमने इंसिडेंट ले लिया था, ये रहा यहाँ का नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे सॉरी, और ये यहाँ का इंसिडेंट एंगल। डायग्राम दोबारा बना दो, यही सेम डायग्राम पिछली क्लास का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल है यहाँ का। अब ये नॉर्मल यहां ले जाओ, इस सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस का ये नॉर्मल। अब ये लाइट बाहर, मैंने क्या कहा था? एयर मीडियम, अंदर डेंसर मीडियम। लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, नॉर्मल के टूवर्ड्स मुड़ गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। फिर लाइट अब डेंसर से रेयर जा रही है, नॉर्मल से अवे हो गई, आपको याद होगा। फिर हमने क्या किया था? इस इंसिडेंट लाइट को बढ़ा दिया था और ये इमर्जेंट लाइट को यहां ले गए थे, तो एक और एंगल हमने बनाया था। अब सारे एंगल को हम शो करते हैं। ये तो हो गया था आपका आई वन, इसको ब्लू से कर दो एंगल को, आई वन। ये एंगल हो गया था आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के साथ ही रिफ्रैक्टेड एंगल, लास्ट क्लास का ही टॉपिक है। ये इमर्जेंट रे, तो यहां के नॉर्मल के साथ जो बनाया ये इमर्जेंट एंगल, और यही रिफ्रैक्टेड रे, अब इस पे इंसिडेंट है, यहां का इंसिडेंट एंगल। सेम टॉपिक है, पिछली क्लास का वीडियो देखा होगा तो आपने पता होगा, सेम चीज मैंने बनाया था डायग्राम, है ना? इसका नाम रख दो ए, यही प्रिज्म एंगल, ये आपका बी, ये आपका सी, अंदर का म्यू और बाहर आप जानते हो ना एयर था, एयर का वन। डायग्राम दोबारा सेम है। और मैंने क्या पढ़ाया था? एक और एंगल, आप भूल गए, नहीं भूलना। फिर मैंने क्या कहा था? इंसिडेंट रे को बढ़ा दो, इमर्जेंट रे को पीछे ला दो, तो यहां एक और एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे ए बी के लिए, याद करो ये इंसिडेंट रे ए बी के लिए। फिर यहां का नॉर्मल डाल दो। देखो नॉर्मल की क्या पहचान होती है, उस लाइन नॉर्मल को लाइन होगा तो एरो नहीं लगा होगा, इसमें कोई एरो नहीं लगा, समझो ये लाइन है, इसमें कोई एरो नहीं लगा, ये लाइन है, ये लाइन ए बी का नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये ए बी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, ये वाला ए बी सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ बनाया है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यही रे अब इस वाले सरफेस पे जाकर इंसिडेंट बन गया, कौन? इधर इसका, इधर से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसके लिए इंसिडेंट बन गया। तो यहां के नॉर्मल के लिए, यहां के नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट डेंसर से रेयर गई तो नॉर्मल से अवे हो गई, तो ये इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा इन इमर्जेंट एंगल। एंगल तो नॉर्मल के साथ ही लेना है, चाहे एबी सरफेस पे लो चाहे एसी पे लो। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये किसी नॉर्मल के साथ नहीं होता, ये दो रेस के बीच में होता है। किसके बीच? याद करो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इसी को देखो, तो इनके बीच जो बनेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन। लास्ट लेक्चर को मैंने रिवाइज करा दिया, अगर आपको और अच्छे से देखना है तो लास्ट लेक्चर में ये सब डिस्कशन हो चुका है हमारे बीच। फिर हमने, आप याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में, इन लास्ट वीडियो, हाँ हमने आपको बताया था, भूल गए, एक ट्रिक बताया था कि देखो भाई अच्छे से सुनो, हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था, इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें, है ना, थोड़ा स्पेस भी तो चाहिए, रिवीजन बड़ा है ना, सब सोच समझ के करना है भैया, प्लानिंग से। और अच्छा एक बात और बता दूं मैं, आप जानते तो हूं इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल। तो बहुत सारे एंगल आए थे, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट, इमर्जेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल। अब आप आ जाओ इसमें, इन लास्ट वीडियो, लास्ट वीडियो में कुछ बातें हम लोगों के बीच हुई थी, बड़ी प्रश्नल बातें हुई थी आपसे हमारी। क्या प्रश्नल बात हुई थी बेटा बताओ? कि अंदर वाले को ऐड करते हैं तो ए आता है, आर प्लस आई टू इज इक्वल टू ए। एक और क्या ट्रिक बताया था फॉर्मूले में, बाहर वाले को ऐड करेंगे तो ए प्लस डेल्टा आता है। बाहर वाला बनेगा क्या, आई वन प्लस ई, बाहर वाले को ऐड करने पे ए के साथ डेल्टा भी आता है। ये दोनों बातें हम पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इन लास्ट वीडियो, जितना अब तक मैं जो बोल रहा हूं ये सब पिछले वीडियो की बात है।
अब बोलोगे सर अब आज की क्लास कंटिन्यू करो कि ये प्रिज्म फॉर्मूला क्या है। तो कहते हैं कि प्रिज्म फॉर्मूला म्यू का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। कहा जाता है कि अगर एक स्पेशल मटेरियल का प्रिज्म लिया जाए, स्पेशल मटेरियल का मतलब एक स्पेशल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म लिया जाए, एक खास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म लिया जाए, तब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम हो जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होने का क्या मतलब हुआ बताओ, कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल है वो मिनिमम हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल मिनिमम, तो इसका मतलब जैसे इंसिडेंट रे आया है ना, इमर्जेंट रे ऑलमोस्ट उसी रास्ते को पकड़ लेगा। अंदर रिफ्लेक्शन होने के बाद जब बाहर निकलेगा तो जो रास्ता इंसिडेंट रे का था उसी रास्ते में ऑलमोस्ट इमर्जेंट रे चला जाएगा। लेकिन यह सब जगह नहीं होता, यह एक खास स्पेशल प्रिज्म में होता है और उसका म्यू भी स्पेशल होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम कब, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, जब डेल्टा मिनिमम हुआ करेगा। तो जब मिनिमम डेविएशन हो उस समय जो स्पेशल म्यू होता है प्रिज्म का, उसी के फॉर्मूले को, म्यू के फॉर्मूले को ही प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। तो प्रिज्म फॉर्मूला किसका फॉर्मूला देता है, म्यू का। लेकिन कौन से कंडीशन में, म्यू तो प्रिज्म का गिवन होता है तो फॉर्मूला क्या, लेकिन नहीं, म्यू की वैल्यू एक स्पेशल होती है कब, जब मिनिमम डेविएशन हो, जब डेल्टा सबसे कम हो, उस कंडीशन में जो म्यू होगा उसी को कहेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। तो डिराइव करते हैं स्टार्ट। तो अब बताओ वी हैव, हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, बाहर वाले को ऐड करेंगे तो ए प्लस डेल्टा आएगा, यहां से डेल्टा निकाल दो, आई वन प्लस ई माइनस ए। क्या किया मैंने, इसको इधर लेके चला गया ए को बेटा, राइट। अब क्या मैं डेल्टा को लिख सकता हूं, देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या किया वही कौन से पिछला बाहर वाले को ऐड करने पे a प्लस डेल्टा, डेल्टा यहां छोड़ दो, a को इधर लेके चले जाओ। क्या मैं डेल्टा को लिख सकता हूं अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट e स्क्वायर माइनस a। बोलो क्या किया मैंने, अरे बात तो वही है, रूट रूट का स्क्वायर हटाओगे वही आ जाएगा। फिर आप जब टेंथ क्लास में हुआ करते थे तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में या टेंथ में। तो अब देखो बेटा, अब अगर गौर से करो तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो तो डेल्टा क्या आ जाएगा, सोचो जरा, करो ए स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं किया मैंने, डेल्टा को ऐसे से ऐसा बना दिया, I1 को वही लिखा रूट का स्क्वायर, E को वही लिखा रूट का स्क्वायर, अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ो क्या होगा, बोलो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट E का होल स्क्वायर प्लस 2ab I1 और ये माइनस E। अरे कुछ नहीं है भाई, डेल्टा यही वाला पहले ऐसे बना और फिर ऐसे से ऐसा बना अलजेब्रा के फॉर्मूले की मदद से, है एक ही चीज वही चीज सेम सेम, बस फॉर्म बदलता गया। अब बताओ अगर मैं डेल्टा को मिनिमम करूं, क्योंकि इस कंडीशन में प्रिज्म फॉर्मूला में म्यू की वैल्यू निकालनी है कब, जब डेल्टा मिनिमम हो, तो डेल्टा मिनिमम, अब मैंने बोला इस पूरे वैल्यू को मिनिमम करना है और मैंने आपको बोल दिया मिनिमम करने के लिए किसी एक टर्म को आप जीरो कर सकते हो, आपको खुली छूट दे दी, जा तुम जो करना है कर भाई, किसी एक टर्म को जीरो कर दे डेल्टा मिनिमम करने के लिए, आपको फ्री छूट है। तो आप बोलोगे ए को तो हम जीरो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो प्रिज्म एंगल है, वो तो प्रिज्म ही खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों में से किसी एक को जीरो करने की बारी आएगी तो जो होल स्क्वायर है उसको जीरो करेंगे, क्यों, क्योंकि यही वैल्यू को ज्यादा बढ़ाने के चांसेस हैं, यही कर रहा है। तो आप क्या करोगे डेल्टा मिनिमम होने के लिए बेटा, बोलो अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट ई के होल स्क्वायर को क्या कर देंगे, जीरो उधर ले जाओगे, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट ई बराबर कितना, जीरो। फिर इधर रूट उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट आई वन इजिकल टू अंडर रूट ई, फिर बेटा रूट रूट हो जाएगा कैंसिल तो क्या आ जाएगा आई वन इजिकल टू ई। यस, ये आ गया डेल्टा मिनिमम होने का पहला कंडीशन कि डेल्टा मिनिमम होगा तो
आई वन बराबर ई, बाहर वाले एंगल सेम होंगे, वो तो मैं शुरू में बता रहा था। डेल्टा मिनिमम होने का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल मिनिमम, इसका मतलब जो रास्ता ये है वही रास्ता करीब करीब इसका ही हो जाएगा, दोनों बाहर वाले इंसिडेंट और इमर्जेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये कंडीशन मिला है कि डेल्टा मिनिमम होने के लिए बाहर वाले एंगल सेम हो जाएंगे, राइट। अब बताओ, ध्यान से बताओ, फिर हमने याद करो लगाया था हमने स्नेल्स लॉ, सुनो कहां पे लगाओ स्नेल्स लॉ, सबसे पहले पी पे लगाओ, चलो पी पे लगाओ स्नेल्स लॉ। ये रहा था आपका पॉइंट पी, मुझे याद है, और ये आपका पॉइंट था क्यू। लगाओ यहां पे स्नेल्स लॉ, पिछले डायग्राम में भी था, यही हमने माना था, पी और क्यू माना था। लगाओ स्नेल्स लॉ, एयर की तरफ कितना आई वन, म्यू एयर इंटू साइन आई वन, चलो म्यू की तरफ कितना आर, म्यू इंटू साइन आर, बस एयर का वन साइन गायब, क्या आ गया आई वन इज इक्वल टू म्यू आर। कहां पे लगा दिया स्नेल्स लॉ, पी पे, ठीक है बेटा। अब स्नेल्स लॉ लगाओ क्यू पे, चलो क्यू पे लगाओ, जल्दी लगाओ, इधर म्यू और एंगल आई टू, म्यू इंटू साइन आई टू, इधर लगाओ इस तरफ एयर है और ई है, म्यू एयर इंटू साइन, यही है ना स्नेल्स लॉ, है ना, इधर का म्यू, उधर का साइन एंगल, उधर का बस खत्म, कुछ नहीं है, लास्ट क्लास ही रिपीट हो रही है ऑलमोस्ट, साइन गायब हो जाता है। तो म्यू आई टू इज इक्वल टू एयर का वन ई, यस ये रिलेशन आ गया, ये आ गया ना स्नेल्स लॉ से। अभी आपने क्या पढ़ा था दो मिनट पहले, वी हैव क्या, अगर डेल्टा मिनिमम हो तो क्या कंडीशन आया अभी दो मिनट पहले, बाहर वाले एंगल सेम होते हैं, आया ना आई वन इज इक्वल टू ई, हो गया। और आई वन को आप लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ की मदद से क्या, म्यू आर, और ई को क्या लिख सकते हैं म्यू आई टू, चलो म्यू म्यू कैंसिल, आर इज इक्वल टू क्या आ गया आई टू, यस बेटा दोनों कंडीशन मिल गए, यस। देखिए तो क्या सीखा आपने कि डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब बाहर वाले एंगल भी सेम हो जाए और अंदर वाले भी सेम हो जाए। तो ये जो दो गोले बनाए हैं मैंने, ये गोले कंडीशन बता रहे हैं कि डेल्टा मिनिमम होने के लिए बाहर वाले एंगल भी सेम होने चाहिए और अंदर वाले भी सेम होने चाहिए, तब डेल्टा मिनिमम होगा। कैसे पहुंचे, वंस अगेन आप वही पुराने फॉर्मूले को लेकर चलोगे, अंदर वाले को ऐड करेंगे ए आएगा, बाहर वाले को ऐड करेंगे ए प्लस डेल्टा आएगा, फिर डेल्टा को यहां से निकालो ए इधर ले जाओ, फिर इसको रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हो, बात तो वही है, ई को रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हो, बात तो वही है, ट्रिक है, मैथ्स है। फिर ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, हो गया अब माइनस ए। अब डेल्टा ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, सब एक ही फॉर्म है। अब मुझे डेल्टा को मिनिमम करना है, इस टॉपिक में डेल्टा मिनिमम करने पे जो म्यू आएगा वही प्रिज्म फॉर्मूला। तो डेल्टा मिनिमम कब होगा, इन तीनों में से एक को जीरो कर सकते हो आप, प्रिज्म एंगल तो जीरो होगा ही नहीं, तो इन दोनों में से इसको उड़ा दो। तो जैसे इसको जीरो करोगे तो क्या बन जाएगा, ये जीरो स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट आई वन माइनस रूट ई जीरो, उधर जाएगा रूट टू यानी आई वन इज इक्वल टू ई। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन आया कि डेल्टा मिनिमम होने के लिए बाहर वाला एंगल सेम होना चाहिए। फिर पी पे लगा दिया स्नेल्स लॉ, म्यू एयर इंटू साइन आई वन, इधर म्यू इंटू साइन आर, कहां पे, पी पे लगा रहे हैं, एयर का वन साइन गायब, म्यू इंटू आर। फिर लगा दो क्यू पे स्नेल्स लॉ, म्यू की तरफ आई टू, म्यू इंटू साइन आई टू, इधर आ जाओ म्यू एयर इंटू साइन ई, साइन गायब, म्यू आई टू, एयर का वन ई, हो गया। अब क्या करो, ध्यान से, दो मिनट पहले एक कंडीशन आया था डेल्टा मिनिमम होने के लिए I1 इज इक्वल टू E आया था ना, अब I1 के जगह पे म्यू आर लिख दो और E के जगह पे म्यू आई टू लिख दो, तो I1 के जगह पे क्या लिख दो म्यू आर, E के जगह पे क्या लिख दो म्यू आई टू, म्यू मी गया कट, एक और कंडीशन आ गया कि R इज इक्वल टू I2, यानी कि डेल्टा मिनिमम होने के लिए बाहर वाले भी सेम होने चाहिए, अंदर वाले भी सेम होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आया क्या होने के लिए, डेल्टा मिनिमम होने के लिए। ध्यान से देखना, अभी कंडीशन आया है कि डेल्टा मिनिमम होने के लिए बाहर वाले भी सेम होने चाहिए, अंदर वाले भी एंगल सेम होने चाहिए।
अब मुझे आगे बढ़ना है, तो आपका परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, आप देख लो अच्छे से, अभी जस्ट कंडीशन आया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कंडीशन से आगे बढ़ रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से, अब सुनो, अब कंडीशन आपके पास क्या आ गया, सो फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, कंडीशन क्या आया बेटा, बाहर वाले भी सेम होने चाहिए और अंदर वाले भी सेम होने चाहिए। यस, ये क्या आया है, अभी कंडीशन आया है जो हमने प्रूफ किया है। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा, फिर हमने क्या कहा था, दो मिनट पहले याद है, देखो क्या क्या कहा था, बोलो, अंदर वाले को ऐड करने पे ए आता है, लिखो दोबारा, आर प्लस आई टू इज इक्वल टू ए। अब अगर जब डेल्टा मिनिमम लेके चल रहे हो तो बेटा आई टू या आर बात तो एक ही है, फिर तो आर लिखो या आई टू लिखो, कोई मना करेगा नहीं, दोनों तो एक ही वैल्यू है, तो आई टू को या तो आर लिख दो या तो आर को आई टू लिख दो, तो क्या लिखेंगे, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, यहां से आर प्लस आर टू आर, टू आर इज इक्वल टू ए, और आर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बाई टू। यस, ये आ गई वैल्यू, पहले था कंडीशन डेल्टा मिनिमम होने के लिए अंदर वाले सेम होने चाहिए, लेकिन सेम तो कितना सेम होने चाहिए, प्रिज्म एंगल का हाफ होना चाहिए, पहले दो सर्कल में कंडीशन था, और अब जो मिला कि अंदर वाले वैल्यू सेम होने चाहिए, बाहर वाले एंगल भी सेम होने चाहिए, अब पता चला कि अंदर वाले जो सेम होने चाहिए डेल्टा मिनिमम होने के लिए तो कितने होने चाहिए, प्रिज्म एंगल के हाफ होने चाहिए। चलो अब बताओ, फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बेटा, कि बाहर वाले को ऐड करेंगे तो ए प्लस डेल्टा आएगा, मींस आई वन प्लस ई को ए प्लस डेल्टा आएगा, पढ़ाया था ना मैंने, है ना। अब अगर बोलो, अब अगर डेल्टा मिनिमम हो जाए, तो मैंने क्या बताया था, डेल्टा मिनिमम का मतलब अंदर वाले भी सेम और बाहर वाले भी सेम, तो अब मैं क्या करूंगा, आई वन को भी ई के बराबर लिख सकता हूं, दोनों में से कुछ भी से, क्या था, बाहर वाले सेम होते हैं तो सेम का मतलब या तो आई वन को ई लिख दो या तो ई को आई वन लिखो, कौन मना कर रहा है, चलो चलो आई वन को मैं ई आई को, चलो ई को आई वन लिख देता हूं, तो क्या सेम ही है ना, आई वन प्लस आई वन इज इक्वल टू ए, अब डेल्टा में एम लगा दो, मतलब ये मिनिमम आ गया, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब डेल्टा मिनिमम, तो अब डेल्टा को मिनिमम लिख दोगे, ऐसे दोनों को बराबर कर दोगे, कंडीशन लगाओगे मिनिमम वाला, तो कितना आ गया, देखो बेटा यहां पर टू आई वन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, ठीक है, आ गया बेटा यहां से। अब देखते जाओ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, चलो जल्दी बताओ, तो यहां से क्या आ गया, आई वन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू। यस बेटा, ये आ गया वैल्यू, तो इससे पहले जो हमने सर्कल बनाया था उसमें ये सिखाया था कि मिनिमम होने के लिए बाहर वाले भी सेम होने चाहिए, अंदर वाले भी सेम होने चाहिए, और अब ये बताया कि बाहर वाले सेम तो कितना सेम, ए, और डेल्टा मिनिमम जो है बाय टू, और बाहर वाले सेम तो कितना सेम, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू, और अंदर वाले सेम तो कितना सेम, ए बाय टू। तो ये कंडीशन और ये उनकी वैल्यूज, क्या होने के लिए, डेल्टा को मिनिमम होने के लिए। अब लास्ट में हम आ रहे हैं, अब हम लगाएंगे अगेन कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ, अब हम फिर लगाएंगे स्नेल्स लॉ, कहीं पर लगा दो, इट्स योर चॉइस, कहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पी पे लगाओ या क्यू पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल सेम हो गए हैं। चलो मैं बताता हूं, पी पे लगा रहे हैं हम, पी पे लगा रहे हैं बेटा, चलो पी पे लगाओ दोबारा स्नेल्स लॉ, क्या इधर आई वन और एयर, तो क्या लिख दोगे, म्यू एयर इंटू साइन आई वन, इधर आ जाओ पी के, इधर आ जाओ म्यू और आर, म्यू इंटू साइन आर, बस बस, यहां से म्यू कितना आ गया बेटा, एयर का तो वन हो गया, क्या आ गया म्यू बताना जरा, साइन आई वन अपॉन साइन आर, बस खत्म हो गया बेटा, म्यू इज इक्वल टू। अब बोलोगे सर, इससे पहले जब आप इसने से लगाते थे तो साइन को हटा देते थे, वो कैलकुलेशन के दौरान होता है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, आपको पता है फॉर्मूला ही लास्ट स्टेप में है, अब फॉर्मूला बनने जा रहा है तो वहां पे किसी चीज को एलिमिनेट नहीं किया जाता, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आप हटा सकते हो अप्रोक्स का कंडीशन, साइन को साइन को एंगल हटा दिया, टैन में एंगल हटा दिया, कॉस को वन लिख दिया, बट इन द लास्ट स्टेप यू कांट रिमूव एनीथिंग। अब आई वन कितना आया देखो, साइन
ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू, और आर कितना है बेटा बताओ, आर कितना था मिनिमम के केस में, ए बाय टू। यही मैं बोलना चाह रहा हूं, और आपका यही फॉर्मूला कहलाता है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड योर प्रिज्म फॉर्मूला। यस, इसी को कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, कब, जब डेल्टा मिनिमम होता है। डेल्टा मिनिमम कैसे होगा, कंडीशन पहले बनाओ, मैंने बनाया था अभी, देखना वीडियो बैक करके, कंडीशन क्या निकला था, बाहर वाले भी सेम अंदर वाले भी सेम। फिर ये पता करो सेम तो कितना सेम, फिर वो पुरानी कहानी लाओ, अंदर वाले को ऐड करने पे ए आता है, अंदर वाले को ऐड करने पे ए आता है। मिनिमम जैसे लगाओगे आर आई टू बराबर ले लोगे, या आई टू को आर लिख दो या आर को आई टू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आई टू का ही आर लिख दिया, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, यहां से आर आ गया, यानी आर बोलो आर आ गया, तो जितना आर होगा उतना ही आई टू होगा, है ना, यानी आई टू इज इक्वल टू ऑल्सो ए बाई टू। ये कंडीशन आ गया कि जब मिनिमम होगा तो अंदर वाले एंगल चाहे आर हो चाहे आई टू हो, प्रिज्म एंगल का हाफ होगा। फिर अगली कहानी पुरानी वाली लाई, बाहर वाले को एड करने पर ए प्लस डेल्टा होता है। फिर जैसे मिनिमम की बात आई सामने, फिर वही बात, मिनिमम जैसे ही डेल्टा होगा तो आई वन और ई बराबर हो जाएंगे, तो चाहे आप आई वन को ई लिख दो चाहे ई को आई वन लिख दो, बात वही है, मैंने ई को ही आई वन लिख दिया। आई वन प्लस आई वन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, आई वन प्लस आई वन कितना, टू आई वन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, तो आई वन इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू। इसका मतलब पहले कंडीशन, फिर क्या कंडीशन था, अंदर वाले भी सेम बाहर वाले भी सेम, अंदर वाले सेम तो कितना सेम, हाफ ऑफ प्रिज्म एंगल, बाहर वाले सेम तो कितना सेम, प्रिज्म एंगल प्लस जो भी डेल्टा मिनिमम आ रहा है बाय टू। लास्ट में म्यू चाहिए, तो म्यू के लिए फिर स्नेल्स लॉ, अगेन कहां पर, पी पे या क्यू पे, सब चलेगा, पी पे लगा दिया, म्यू एयर इंटू साइन आई वन म्यू इंटू साइन आर। अब एयर का वन, लेकिन अब साइन इलिमिनेट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, लास्ट स्टेप है, कैलकुलेशन नहीं चल रहा है। साइन आई वन बाय साइन आर, साइन आई वन के जगह पे साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू, आर के जगह पे साइन ए बाय टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, बट इन नॉर्मल कंडीशन में नहीं, व्हेन व्हेन द एंगल ऑफ डिविएशन विल बी मिनिमम। यस, दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला याद हो गया, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू। लेकिन ये म्यू का फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब सवाल में लिख के मिलेगा, अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मिनिमम डेविएशन हुआ है तब ये म्यू का फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा, याद रखना, इसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। अब बच्चे फिर इसमें एक ग्राफ बनाने को आता है, ध्यान से देखिएगा, किसके बीच ग्राफ आता है वो जरा सुनिए आप, ग्राफ जो आता है अच्छे से सुन लो, एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच आता है, कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल जो लाइट गिराते हैं ना उसके वेरिएशन के साथ एंगल ऑफ डिविजन में क्या फर्क पड़ेगा, सुनिएगा। तो इसका एक फिक्स ग्राफ है, ऐसे बनता है, इसमें आपको बता दूं मैं, ध्यान से बेटा सुनिए, यहां पे आकर यहां पे देखो ना, डेल्टा कम होते जा रहा है, जैसे जैसे पहले इंसिडेंट बढ़ रहा है, इंसिडेंट बढ़ रहा है बेटा, इंसिडेंट बढ़ रहा है, डेल्टा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एकदम यहां पर मिनिमम हो गया। और जब मिनिमम होता है तो उस समय आई इज इक्वल टू ई लिख सकते हो, यानी उस समय आई की वैल्यू ई के बराबर होगी, अंदर वो बाहर वाले दोनों एंगल सेम होंगे। फिर उसके बाद आई बढ़ाते जाओगे तो फिर डेल्टा बढ़ता जाएगा। क्या सीखा आपने, स्टार्टिंग में जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा पहले डेल्टा कम होगा, डेविएशन कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, एक समय मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम का मतलब उस समय आप लिख सकते हो, इस समय मिनिमम होगा, उस समय इंसिडेंट और इमर्जेंट सेम होंगे, उसके बाद इंसिडेंट बढ़ाओगे तो फिर एंगल ऑफ डिविएशन वापस बढ़ने लगेगा। अब आप बताओ कितने फॉर्मूले प्रिज्म में याद हो गए, फॉर्मूला याद करा रहा हूं मैं, सुनो। सबसे पहले अंदर वाले एंगल को जोड़ेंगे, यानी एक साइड से रिफ्रैक्टिंग, दूसरे साइड का इंसिडेंट, तो प्रिज्म एंगल आएगा। इस वीडियो से लास्ट में ये डिस्कशन हुआ था। बाहर वाले को जोड़ेंगे तो बाहर वाले में इधर का इंसिडेंट और उधर का इमर्जेंट, बाहर वाला, तो ए प्लस डेल्टा आएगा। फिर अगर आपको सिर्फ डेल्टा निकालना है, उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, म्यू माइनस वन इंटू ए। फिर क्या बताया, अगर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम हो जाए तो उस समय का म्यू एक अलग होता है, एक खास फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस जो भी डेल्टा मिनिमम एंगल है बाय टू और डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। तो इतने ही फॉर्मूले की हमें जरूरत है बेटा, ये फॉर्मूले काफी हैं,
आपके प्रिज्म को डिफाइन करने के लिए। आप इतना लर्न कर लो और फिर मजा आएगा प्रिज्म के सवाल करने में और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो लास्ट वीडियो और ये वीडियो दोनों प्रिज्म का था, उसमें एंगल ऑफ डिविजन का डिराइव हुआ, उसमें ये सब डिराइव हुआ, ये सब ट्रिक बताया, और आज 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 हमने एक म्यू का फॉर्मूला बताया, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताया, कब, जब एंगल ऑफ डिविजन मिनिमम होगा तब। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट रुक जाना, कुछ बात भी कर ले, कितना पढ़ा यार, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, थोड़ी बात होनी चाहिए आपस में। हमने आपको प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ाया, लास्ट में एंगल ऑफ डिविजन का, और आज प्रिज्म फॉर्मूला। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। बेटा एक बात और, वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता, ये ऑप्टिक्स है, इसको दो बार तीन बार देखोगे ना तो जो थोड़ी छोटी बातें होता क्या है, पहली बार वीडियो देखा 50% समझ में आया, दूसरी बार देखा 80% समझ में आया, तीसरी बार देखा 100% समझ में आया, चैंपियन, चौथी बार देखोगे तो भैया टीचर बन जाओगे, और पांचवी बार देखोगे तो साइंटिस्ट बनकर नासा पहुंच जाओगे। नासा नहीं जाना, इंडिया में रहना है, दो बार ही वीडियो देखना है, काफी है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्म। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।